ंग इन्फेंट में बी फीडिंग एंटायरली ऑन मदर मिल्क विच इज़ व्हाइट इन कलर बट द स्टूल हु इन्फेंट पास इसउट इच क्वाइट इज येलो इज व्हाट इज दिस येलो कलर ड्यू टू कि अगर कोई इन्फेंट मदर मिल्क ले रहा है जो कि वाइटिश कलर का है फिर भी उसका फीकल मैटर येलो कलर का है तो उस येलो कलर के पीछे मेन रीजन है बाइल पिगमेंट पास्ट थ्रू बाइल जूस एनजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टूगेदर इज एंड अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू ती मेनलीड करता है इनडाइजेशन को Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of. तो ये मेन इम्प्रॉपर प्रॉपर मूवमेंट होता है कि अगर दो फ्रेंड आपस में खा रहे हैं खाने को और एक फ्रेंड को कफिंग स्टार्ट हो गई ड्यूरिंग सोलेंग निकलते समय तो ये मेन रीज़न है इम्प्रॉपर प्रॉपर मूवमेंट है ईपिग्रॉटिस का विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन डिफिशेंसी डिजीज एनसीआरटी सप्लीमेंट पार्ट में क्वाइशर कोर रेनिन एक्ट्स ऑन तो रेनिन मिल्क प्रोटीन केसिन एक्ट करता है जिसका पी एच वन से थ्री के बीच में होता है द हारमोन दैट स्टिमुलेट द स्टमक टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस तो उस हारमोन का नाम होता है गैस्ट्रिन द हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ तो इंटेरोकाइनिस कन्वर्जन कराता है ट्रिप्सनोजन का ट्रिप्सन में कॉलिसिस्टोकाइनिन एंड डोकाइनिन आर सिक्रीटेड बाय तो ये मेनली इंटेस्टाइनल हार्मोन है इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक पैंक्रियाटिक एंड बाइल सिक्रीशन आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन तो इसमें सबसे पहले दिया है इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस तो गैस्ट्रिक जूस का इनहिबिशन होता है इंटरोगेस्टोन से इस्टीमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस होता है गैस्टिन से स्टीमुलेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियोजाइमिन एंड स्टीमुलेशन ऑफ बाइल सिक्रीशन कॉलिस्टोक स्टूल ऑफ ए पर्सन कंटेंस वाइट इज ग्रे कलर ड्यू टू मेल फंक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गन द मेनली लिवर बाइल जूस व्हाट इज द कॉमन एमंग एमाइलेज रेनिन एंड ट्रिप्सिन तीनों में कॉमन क्या है जैसे इन्होंने दिया दे आर आल प्रोटीलिटी कैंजाइम नो एम आईज प्रोटियोलिटी कंजाइम नहीं है दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्टमक नो दे एक एज ए पी एच लोअर देन सेवन नो ट्रिप्सिन इन देन दैन सेवन पेवर करता है कॉमन पॉइंट है कि दे ऑल आर प्रोटीन बिकॉज दे ऑल आर एनजाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ ए सबस्टेट एंड इट्स पर्टिकुलर डाइजेस्टिव एनजाइम कौन सा मैचिंग पेयर है फर्स्ट ही मैचिंग पेयर है माल्टोज पे माल्टेज वर्क करता है डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है वो कहलाती है स्टेंसन डक्ट ए सर्टन पर्सन ईट्स बॉइल्ड पोटैटो वन ऑफ द फूड कंपोनेंट इन इट इज कि अगर कोई भी पर्सन एक पोटैटो बॉइल्ड पोटैटो खा रहा है तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि लैक्टोज विच इज़ इनडाइजेस्टेबल नो डाइजेस्टेबल है स्टार्च विच डज नॉट गेट डाइजेस्टेड नो डाइजेस्टेड है सेलोलोज विच इज डाइजेस्टेड बाई इंटेस्टाइनल सेलोज नो नाट डाइजेस्ट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि डी एन ए विच गेट डाइजेस्टेड बाई पेंक्रियाटिक डी एन एज इन मैन द जाइमोजन और चीप सेल आर मेनली फाउंडिन तो स्टमक में होते हैं और ये मेनली जिस रीजन पर होते हैं वो होता है फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक विच पार्ट ऑफ बॉडी सिक्रीट द हारमोन सिक्रिटिन तो सिक्रेटिन हारमोन मेनली सिक्रेट होता है डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन द लेअर ऑफ सेल दैट सिक्रिट इनेमल ऑफ टूथ इनेमल ऑफ टूथ एमिलोब्लास्ट ब्रूनर्स ग्लैंड आर अकर इन तो ब्रूनर्स ग्लैंड आपकी पाई जाती हैं सब म्यूकोस ऑफ डिओडिनम में ड्यूरिंग प्रोलोंग फास्टिंग व्हाट इज दीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज बॉडी कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो कौन से कंपाउंड का पहले यूज होगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देन फैट और सबसे लास्ट में प्रोटीन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गाल बिल्डर इज ड्यू टू गाल बिल्डर का कॉन्ट्रेक्शन मिली कॉलीसिस्टोकाइनिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेज द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड कि स्टमक से अगर कोई भी ये चार ऑप्शनस में दिए हुए हैं कि जो कि टोटली अनडाइजेस्टेड जाएंगे नो डाउट प्रोटीन का थोड़ा डाइजेस्टन होगा फैट डाइजेस्ट होगा थोड़ा सा बट दिस इज नॉट फैट एंड सोज दिस इज कंप्लीटली अनडाइजेस्ट लैक्टोज़ इज कम्पोज ऑफ लैक्टोज़ मेनली बनाए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज़ से फ्रक्टोज इज ऐब्जॉर््ड इन टू ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाई द प्रोसेस कॉल्ड तो फ्रक्टोज का एब्जॉपन मेनली फैसिलेटेड डिफ्यूजन फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट द हिमोजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ तो मेनली डिफिशियंसी होती विटामिन के वैन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेसड बाई लेस न्यूट्रिटिव फूड इन प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की कमी क्या अगर ब्रेस्ट फीडिंग को रिप्लेस कर दिया क्या? लेस न्यूट्रिटिव फूड इन प्रोटीन एंड कैलोरी तो फिर बेबी सफर करेगा मेरेसमस कैरियर प्रोटीन फैसिलेट द एब्जॉर्ब सब्सटेंस लाइक तो कैरियर प्रोटीन फैसिलेट कराएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज द विटामिन सी और स्कॉर्बिक एसिड प्रिवेंट स्कर्बी। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन अप्सेंस ऑफ फैट का एमल्सिफिकेशन किसके एब्सेंस में नहीं होगा बाइल सॉल्ट वाल्टन डक्ट इज एसोसिएटेड वर्क ये मेनली एसोसिएटेड होती है सब मैक्सिलरी सेलेवरी ग्लैंड से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस विटामिन डी डिकेट्स सी स्कर्वी ए जीरोपथेलमिया के बेरी बेरी ये मिस मैच है मैनी ऑफ द पेंक्रियाटिक एंजाइम मस्ट बी एक्टिवेटेड बाई ट्रिप्सिन बिफोर दे कैन बिगिन डाइजेस्टिंग फूड बट ट्रिप्सिन इट सेल्फ रिक्वायर द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ कि ट्रिप्सिन को भी एक्टिवेट करने के लिए इफेक्ट रिक्वायर्ड होता है इंटेरोकाइनिस का द पोर्सन ऑफ ह्यूमन स्टमक इन टू विच ईसोफेगस ओपन ईसोफेगस ओपन होता है कार्डिय रीजन पे कार्डिय का मस्कुलरिस लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज फॉर्म्ड बाई तो मस्कुलरिस लेयर मेनली स्मूथ मसल लेयर होती है inner side circular layer and outer side longitudinal muscle layer the structural and functional unit of human liver human liver key substitute unit is structural hepatic lobule the optimum ph for the enzyme salivary amylase 6.8 intrinsic factor is secreted by the intrinsic factor basically oxyntic cell टू मूव इंटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फैटी एसिड एंड ग्लेल आर फर्स्ट इनकॉपरेटेड विद कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाने के पहले फैटी एसिड और ग्लेटरॉल को इनकॉपरेट किया जाता है तब तो वो कहलाते हैं मिसेल्स विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर इंटू स्मॉल इंटेस्टाइन ये बेसिकली एलियोसिकल वॉल्ब द म्यूकोसल लेयर इन द स्टमक फॉर्म इरेगुलर फोल्ड स्टमक में लेयर के इरेगुलर फोल्ड कहलाते हैं रोगी वह रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसो इनटू स्टमक ये बेसिकली रेगुलेट करता है मस्कुलर एक्सपेंचर ए बेबी बॉय एस्ट टू ईयर एर, इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासिस थ्रू ए डेंटल चेकअप द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैव ट्वेंटी टीथ विच टीथ वर अप्सेंट तो बेबी टू ईयर का है तो उसके पास ट्वेंटी जो टीथ हैं वो मिल्क टीथ हैं और जो टीथ एब्सेंट है तो मिल्क टीथ में प्रीमोलर टीथ नहीं होते विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाटिक जूस का जो एंजाइम कंपोजिशन है जैसे फर्स्ट में रेनिन दिया हुआ है नहीं होगा फिर आपका पेप्सिन दिया हुआ है सेकेंड में नहीं होगा थर्ड में भी पेप्सिन है तो लास्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा लाइपेस टिप्सनोजन प्रोकार्बोक्सी फेफ्टी फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हिपैप्टोपेंोटिक डू डिओडिनम तो ये बेटिकली रेगुलेट करता है एक्सपेंचर ऑफ ओडी इसी को एम्पुला ऑफ वाटर इन दैस्टिक एसिड इज सिक्रीटेड बाई तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करता है ऑग्जेंटिक सेल और पैराइटल एंजाइम दैट इज नॉट प्रजेंट इन सकस इंटेरिकस और इंटेस्टान जूस में कौन सा एंजाइम नहीं है माल्टेज है न्यूक्लियोसाइडेज है लाइपेज है न्यूक्लियस नहीं है ये पेंक्रियाटिक जूस में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौन सा गलत स्टेटमेंट है ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रिट पेप्सिनोजन ये स्टेटमेंट आपका गलत है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेंज इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन है लाइपेज है रेनिन है व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रीसन ऑफ पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉग्ड तो पैराइटल सेल एच सी एल का सिक्रीसन करेंगी एंड एच सी एल एक्टिवेट करेगा पेप्सिनोजन को पैप्सिन में तो ये बेसिकली इन दबसेंस ऑफ एच सी एल पेप्सिनोजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू पेप्सिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑफ द गिवेन सबस्टेट एनजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड द इंड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मैं तीनों चीज़ों को देखना है इस सबस्टेट में कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है और क्या उसका इंड प्रोडक्ट है अब डिओडिनम में ट्राई में ट्रिप्सिन एक्ट कर रहा है तो ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है नहीं होगा थर्ड ऑप्शन देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन पेप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्सिन वर्क नहीं कर सकता स्टमक में लाइपेज और मिसल्स का फॉर्मेशन नो करेक्ट आंसर इज सेकेंड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च एल्फा एमाइलेज के प्रजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा डाई में ड्यूरिंग डाइजेशन बिफोर द एक्शन ऑफ लाइपेज फैट इज इमल्सिफाइड बाई फैट का इमल्सिफिकेशन होता है बाइल सॉल्ट से किसका कंपोनेंट दिया है फॉस्फोलिपिड विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूस हैज मिनिमम पी एच वैल्यू इन चारों में मिनिमम पी एच वैल्यू है गैस्ट्रिक जूस की इन एडल्ट कर्डिंग ऑफ द मिल्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन आकर ड्यू टू एक्शन ऑफ अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में कर्डलिंग ऑफ मिल्क में जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो होता है काइमोट्रिप्सिन अगर स्टमक में होता तो रेनिन होता विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द काइंड ऑफ सेल्स एंड दियर सिक्रीसन इज करेक्टली मैस्ड ऑक्सेंटिक सेल ए सिक्रीसन विद पेयज बिटवीन टू टू थ्री बिल्कुल सही स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सिक्रीसन इज करेक्टली मेस्ट विद इट्स सोर्स पेप्सिन चिप सेल बिल्कुल सही है पेप्टिक और चिप सेल से पेप्सिन का फॉर्मेशन होता है लिपिड विच कैन बी फाउंड इज ऑयल बेस्ड सेलेड ड्रेसिंग एंड आइसक्रीम ड्यूरिंग डाइजेशन आर स्प्लिटेड इन टू कि लिपिड का जो इंड प्रोडक्ट है वो है फैटी एसिड एंड ग्लिस्टॉल विच ऑफ द फॉलोइंग कम्पोनेंट ऑफ आवर फूड आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज स्माल क्वान्टिटी में हम आपको लेते हैं मिनरल एंड विटामिन र हमारी टीथ के क्या फीचर हैं हमारी टीथ थीकोडोंट हैं डाइफ्लोडोंट हैं हेटो डोंट हैं फ्रेनुलम इज फ्रेनुलम बेसिकली फोल्ड अटैचिंग टंग टू द फ्लोर ऑफ औरल कैिटी डायरेक्ट एनसीआरटी लाइन आवर स्टमक इज सेप्ड ए मस्कुलर एक्सपिक्चर रेगुलेटिंग ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इंटू स्टमक ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्पिक्चर है वो स्पिक्चर आपका कहलाता है कार्डियक एक्सपिचर ए नैरो डिजिटल पार्ट ऑफ स्टमक लीडिंग टू इंटेस्टाइन इज कॉल्ड स्टमक का वो पार्ट जो इंटेस्टाइन को लीड करता है पायलोरिक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इन थ्री पार्ट नो डाउट डिओडेनम जेजुनम एंड इलियम बस इसमें इलियम का स्पेलिंग याद रखना है आई एल ई यू एम द ओपनिंग ऑफ स्टमक इंटू डिओडिनम इज गार्डेड बाई स्टमक से डिओडिनम में जाने के लिए पायलोरिक एक्सपिचर सिकम इस्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस सम्बोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट ए इस्म फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन एराइजेस कि सिकम में वो फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है वर्मी फ्राम अपनडिक्स द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू डेक्टम प्रोसेस फोर लेयर इन लेयर्स के नाम हैं आप सिरोसा या इधर से याद कर सकते हैं मस्कुलरिस सीरोसा सम्यूकोसा एंड म्यूकोसा तो इसमें करेक्ट आंसर चला जाएगा कि सीरोसा मस्कुलरिस सम्यूकोसा एंड म्यूकोसा वन विच लेयर ऑफ द गट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टेलिसिस गट की वो लेयर जो पेरिस्टेलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मूथ मसल लेयर पैरोटिड ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो इन चीक नियर ईयर विच वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन मेज लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर लीवर सिक्रीट फर्स्ट ऑप्शन एक है नो डाइजेस्टिव एंजाइम लीवर के बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता सिस्टिक डक्ट डाइजेस्ट फ्रॉम सिस्टिक डकट ऑफ की गालबर फंक्शन ऑफ गालबर इज स्टोरेज ऑफ बाइल कॉमन बाइल डक्ट इच फॉर्मड हुए तो कॉमन बाइल डक्ट तब बनती है जब लीवर की हिपेटिक डक्ट एंड गॉल बडर की सिस्टिक डक्ट आपस में फ्यूज होती है तो सिस्टिक डक्ट इज फ्यूज विद कॉमन हिपैटिक डक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अबाउट पेंग्रियाज कौन सा गलत है इट इज़ कंपाउंड ग्लैड हैज़ बोथ एग्जोक्राइंड्राइन पार्ट सही है एक्जोक्राइन पार्ट सिक्रीट सेंजाइम सही है इंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट हार्मोन इंसुलिन ग्लूकैकॉन्ट सही है इट इज़ सराउंडेड बाय ग्लिस नो इट इज़ फीचर ऑफ लीवर स्टार्च इज कन्वर्टेड इन टू डाई सेक्राइड बाई द एक्शन ऑफ स्टार्च का डाइसेक्राइड में कन्वर्जन के लिए एम पेप्सिन कन्वर्ट पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को प्रोटीज एंड पेप्टोन्स में थ्री सिक्रीसन मीटिंग द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजों के सिक्रीसन आपस में मिलते हैं एक आपका बाइल जूस पेंक्रियाटिक जूस एंड सकस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस अब ये इंजाइम दिए हुए हैं टिप्सुनोजन काइमोटिप्सोनोजन एमाइलेज लाइपेज न्यूक्लियस ये एंजाइम किसके सिक्यूशन में होते हैं सारे पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम दिए हुए हैं बाइल प्रोड्यूस्ड इन द लीवर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग तो बाइल मेनली एसोसिएटेड होते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एमिनोपेप्टीडेज ए डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूसेस प्रोड्यूस एमिनोपेप्टीडेज इनटेस्टाइनल जूस का एंजाइम है जो कि फॉर्म करता है लास्ट में अमाइनो एसिड ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ड इन इंटेस्टाइन बाई मोस्ट ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोक्टोज एंड समाइनो एसिड आर एब्जॉर्ड बाई डिफ्यूजन इंटेरोकाइनेस इज तो इंटेरोकाइनेस एंजाइम है जो कि एक्टिवेट करता है पेंक्रियाटिक जूस के एंजाइम को द एक्सपिचर ऑफ ओडी प्रेजेंट बिटवीन द एक्सपेंचर ऑफ ओडी प्रेजेंट होता है हिपैटोपेंक्रियाटिक डट एंड डिओडिनम इफ सम रीजन द पैराटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक किपिथिलियम पार्शियली नॉन फंक्शनल व्हाट इज लाइकली टू हैपन कि पैराइटल सेल अगर नॉन फंक्शनल हो जाएंगी देन एच रिलीज कम होगा और पेप्सिनोजन का पेप्सिन में कन्वर्जन कम होगा फाइनली आपका प्रोटीन डिफिशेंसी अफेक्टेड होगा कि प्रोटीन इज नॉट कन्वर्टेड इन टू प्रोटीजेज पेप्टोन डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री सब मेकोस् डज नॉट होल्ड ट्रू कौन सा सही नहीं है सब्यूकोसा के बारे में लूज कनेक्टिव टिश्यू सही है नर्व ब्लड एंड लिम फेसल सही है स्टमक no. है सब्यूकोसल ग्लैंडो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इंटेस्टाइन के लिए सही है फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाई थ्री पेयर सलाइवरी ग्लैंड तो ऑल द सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाई थ्री पेयर यानी सिक्स सलाइवरी ग्लैंड बोलस फ्रॉम ओरल कैविटी टू ईसोफेगस तो बोलस का ईसोफेगस में जाना बेसिकली डिग्लूटिशन एंड फाइनली मूवमेंट पेरीस्टेलिस इंटेंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाई इंटेंसिक फैक्टर का सिक्रीसन होता है ऑक्जेंटिक सेल जिसका इन नाम दिया हुआ है पैराटल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोडक्ट ऑफ चीप सेल तो पेप्टिक और चीप सेल का मेजर प्रोडक्ट पेप्सिनोजन एच सी एल ऑफ स्टमक कैन डैमेज म्यूकोसल इपिथिलियल ऑफ स्टमक बट के एच सी एल स्टमक कि म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है फिर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एन का फिर भी म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट इसको प्रिवेंट करता है कि वो डिस्ट्रक्शन ना करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्पोनेंट ऑफ बाइल बाइल का कौन सा कंपोनेंट नहीं है बिलरोबिन भी है फॉस्पोलिपिट है कोलेस्ट्रॉल है एंजाइम्स नहीं होते द तो सकस इंटेरिकस डज नॉट एक्ट ऑन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एन का कि सकस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस किस में एक्ट नहीं करेगा एक्ट नहीं करता मेनली पेप्टोन्स पर न्यूक्लियोसाइड आर एक्टेड बाय न्यूक्लियोसाइडेस गिप्स राइज टू तो न्यूक्लियोसाइड में अगर न्यूक्लियोसाइडेस लगेगा तो उसी में बनेगा जिससे न्यूक्लियोसाइड बना है न्यूक्लियोसाइड बना होता है नॉर्मल सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस से विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एब्जॉर्व बाई पैसिव डिफ्यूजन क्लोराइड आयन डिफेसिकेशन इज नॉट डायरेक्टली एनसीआर टी लाइन का क्वेश्चन है वॉल्ट्री प्रोसेस सही है कैरिड आउट बाई मास पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट सही है इनिशिएटेड बाई रोकल रिफ्लेक्सी स्टेटमेंट गलत है द रिफ्लेक्स एक्शन फॉर वोमिटिंग इज वोमिटिंग रिफ्लेक्स एक्शन मेरडला से कंट्रोल होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जॉर्व इन डायरिया डायरिया में क्या ऑब्जॉर्ड नहीं होता अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट सही है इनकीज लिक्विडिटी ऑफ फिकल डिस्चार्ज सही है रिडक्शन ऑफ एब्जॉर्पन ऑफ फूड सही है रिडक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड ये स्टेटमेंट रॉन्ग है द इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉल कैरेक्टराइज विच डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो इरेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉल होता है कॉन्स्टिपेशन में विच कैन नॉट बी कॉज ऑफ द इन तो इन के लिए इनक्यूट इन्जाइम सिक्यूसन सही है एन्जाइटी फूड पॉइजनिंग डायरेक्ट एनसीआर लाइन ओवर रीटिंग स्पाइसी फूड एनसीआर टी इनकीज लिक्विडिटी ऑफ फूड ये गलत स्टेटमेंट है ओनली प्रोटीन डिफिशियंसी इज़ ए करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ ओनली प्रोटीन डिफिशेंसी क्वाशर कोर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कम्बसन ऑफ वन ग्राम ऑफ फूड ये एक्चुअल एनर्जी कहलाती है फिजोलॉजिकल वैल्यू